खुसरो निजामी बोल रहा हूँ। हर वीडियो बनाने के पीछे मेरा मकसद सिर्फ यही है कि हम सब लोग अपने अपने कॉमन सेंस का इस्तेमाल करें। हमारे देश में आंदोलनों का बहुत बड़ा रोल है। हर आंदोलन के बाद हम और निखर कर और अच्छे होकर अपने देश का, मानवता का एक नया कीर्तिमान बनाते हैं। इसलिए ये बहुत ज़रूरी है कि हमारे आंदोलन बहुत अच्छे हों। जब आप आंदोलन करते हैं तो अपने साथ आए हुए लोगों की भीड़ को देखिए, संख्या को देखिए। ये संख्या आपकी ताकत भी है और आपकी कमजोरी भी। इतनी बड़ी आबादी को कोई भी सरकार नहीं संभाल सकती, चाहे गोरखपुर में बीजेपी की सरकार हो या राजस्थान में कांग्रेस की सरकार हो। मासूम बच्चे अपनी जान से गए। दोनों ही जगह अपोजिट पार्टीज हैं, लेकिन दोनों ही नेताओं के बयान बहुत ही असंवेदनशील हैं, मानवता से बिल्कुल दूर है। एक भाई साहब ने कहा कि अगस्त में तो बच्चे मरते ही हैं, और दूसरे भाई साहब ने इस बार राजस्थान में कहा कि भाई बच्चे तो हमेशा ही से मरते आ रहे हैं, इस बार तो बहुत कम मरे हैं। हमारी धरती पर, हमारी प्रकृति पर, हमारे देश की धन संपदा पर बहुत भारी बोझ है। इतनी आबादी को झेल पाना मुमकिन नहीं हो रहा है। आप जिस भी चीज़ के बारे में प्रदर्शन कर रहे हैं, आंदोलन कर रहे हैं, उस चीज़ के बारे में लोगों को बताइए, जागरूकता बढ़ाइए। लेकिन साथ ही साथ अगर आप आबादी को कम करने के लिए भी जागरूक करेंगे तो आपका आंदोलन ज़रूर सफल होगा। बढ़ती आबादी पर काबू पाने का जो सबसे सरल उपाय है वो है शिक्षा और स्वास्थ्य पर खर्चा। दुनिया की तमाम स्टडीज से यही मालूम चलता है कि अगर हमारी सरकार शिक्षा पे और स्वास्थ्य पे ज़्यादा खर्चा करती है तो हमारी आबादी अपने आप से न सिर्फ कम होती है बल्कि उनका लिविंग स्टैंडर्ड भी बहुत ऊपर हो जाता है। अनफॉर्चुनेटली इस बार के बजट में भी मुझे ऐसा कुछ दिखने को नहीं मिला। आपके आंदोलन में इस चीज़ को ज़रूर शामिल करना चाहिए। आंदोलनों की लड़ाई हमेशा सरकार से होती है, और सरकार बहुत ताकतवर होती है। सरकार के पास पुलिस होती है, एक बहुत बड़ी मशीनरी होती है, उसके साथ पूरी कानूनी फौज होती है। अगर वो चाहे तो हर आंदोलन को यूं खत्म कर सकती है। आपको इस सब के लिए प्रिपेयर रहना चाहिए, तैयार रहना चाहिए। अगर आपकी पहचान सरकार को समझ में आ जाती है तो यकीन जानिए सरकारें बहुत आसानी से आपके आंदोलन को ख़त्म कर सकती। वो आपके नेताओं को ही खरीद लेगी। और अगर आप किसी धर्म विशेष के हैं, किसी भी धर्म विशेष के, तो सरकार का काम और भी आसान हो जाता है। किसी भी आंदोलन को सफल बनाने के लिए उसमें बिल्कुल भी धर्म का तड़का मत लगने दीजिए, ना भाषा से, ना नारों से, ना पोस्टर से। किसी भी ऐसी चीज़ से बचिए जिससे किसी एक धर्म विशेष के बारे में लोगों को मालूम चले। यकीन मानिए सरकारों का काम इतना आसान होता है आपको विलन बनाना जिसका कोई जवाब नहीं। सरकार को आपके आंदोलन को कुचलने में ये बहुत बड़ी मदद कर रहा है। मैं यहाँ पर बीजेपी की सरकार की बात नहीं कर रहा हूँ। इससे पहले भी जिनकी सरकार आई है और आगे भी जिसकी सरकार आएगी, वो सब लोगों के लिए बहुत आसान काम होता है। बेसिक फॉर्मूला है, पहले लोगों को बांट दो, फिर एक एक करके ख़त्म कर दो। धर्म, भाषा, आपके पहनावे, इन सब चीज़ों में बहुत मदद करते हैं। अपने आप को अलग मत होने दें। जन आंदोलन ही कामयाब होते हैं। जब आप सरकार के खिलाफ होते हैं, कोई आंदोलन चलाते हैं, तो आपको ये मालूम होना चाहिए कि आपको एक भी कानून नहीं तोड़ना है। सरकार सिर्फ इस मौके की तलाश में होती है कि आप कोई कानून तोड़े और वो आपके आंदोलन को पूरी तरीके से क्रश कर दे। सो आंदोलन करते समय किसी भी तरीके से भड़के नहीं, ना भड़काऊ भाषण दें, ना अपने जोश को बेकाबू होने दें। ठंडे रहें, बिल्कुल ठंडे रहें, एकदम शांति का प्रदर्शन करें। कोई कितना भी उकसाए, आपको अपना आपा नहीं खोना है। देखिए, इस तरीके की कोई भी बेवकूफ़ी मत कीजिए। वो बिजली का खंभा है, उसमें सिर्फ करंट जाता है, झंडा लगाने की जगह नहीं है। ऐसा कोई काम मत कीजिए जिससे आपकी जान को या आपके साथियों की जान को खतरा हो, उनका कोई भी नुकसान हो। कुछ क्रिएटिव कीजिए, कुछ नई चीज़ें कीजिए। जहाँ तक हो सके माहौल को हल्का फुल्का रखिए, हंसी मजाक करते रहिए। गंभीर से गंभीर विषय को भी आपको झेलना ही है। आप अपनी बात को गाली गलौज से भी समझा सकते हैं और हास्य व्यंग के या विनोद के तरीके से भी। हास्य व्यंग का तरीका ज़्यादा कामयाब होता है, गाली गलौज से कभी किसी को कुछ मिला नहीं। ज़्यादा से ज़्यादा क्रिएटिव बनिए, एक दूसरे पर आक्रामक रूप मत अपनाइए। कविताएं लिखिए, पोस्टर बनाइए, बैनर बनाइए, गाने गाइए। महात्मा गांधी के बताए हुए रास्ते पर, यानी सत्याग्रह के रास्ते पर हम सबको चलना चाहिए।
लेकिन ये जो सत्याग्रह है, क्या ये वही 70 साल 100 साल पुराना वाला रहेगा? क्या सत्याग्रह को हमें नेक्स्ट लेवल पर नहीं ले जाना चाहिए? ज़रूर ले जाना चाहिए। रेडियो पे, टीवी पे और सोशल मीडिया वाले कई प्लेटफॉर्म्स पर हम सबको अपने आंदोलन को एक अच्छी जगह देनी चाहिए। कोई मीडिया वाला अगर आपके पास आता है तो आपको सत्याग्रह के थ्रू ही उनसे बात करनी है। इस तरीके से किसी को गो बैक का नारा दिलाने से आपका आंदोलन कमज़ोर पड़ता है। आप उनको बुलाइए, उनको चाय पानी का पूछिए, बैठाइए और उसके बाद सत्याग्रह के तरीके से ही उनको जवाब दीजिए। अपने सत्याग्रह से उनके सवालों की दिशा को मोड़ दीजिए। हर टीवी न्यूज़ एंकर को प्रॉपर इज्जत दीजिए, उनको बैठाइए, चाय पानी को पूछिए, नाश्ता दीजिए, खाना खिलाइए और उनके सवालों का प्रॉपर जवाब दीजिए। आपके आंदोलन में साथ देने वाले हर आदमी को अपने बारे में, अपने विषय के बारे में पूरी जानकारी होनी चाहिए। ये उनको ट्रेनिंग देने की जिम्मेदारी आपकी बनती है। अपनी भाषा को संयमित रखिए, अपने गुस्से को, अपने क्रोध को, अपने विवेक पर हावी मत होने दीजिए। ऐसी कोई बात मत लिखिए जिसे बाद में आपको पछताना पड़े। भड़काने के लिए अक्सर लोग ऊटपटांग बातें करते हैं। दिल्ली में इलेक्शन है और हमारे नेताओं की जबान बेलगाम है। इन भाई साहब के बयान पे जरा गौर फरमाइए। इन्होंने शाहीन बाग वाले कल आके आपके घर में घुसेंगे, आपकी माँ बेटी बहू की इज्जत लूटेंगे। इसलिए आपको बीजेपी को ही जिताना है, क्योंकि कल मोदी जी नहीं आएंगे, अमित शाह नहीं आएंगे आपको बचाने। मैं सिर्फ इनसे ये पूछना चाहता हूँ कि शाहीन बाग वालों से बचाने के लिए तो मैं मोदी जी को और अमित शाह को वोट दे देता हूँ, लेकिन बाकी जो पूरा देश है हमारा, उनसे मैं अपने घर की बहू बेटियों की इज्जत कैसे बचाऊँ? आप इनको बताइए कि हमारे घर की बहू बेटियों की इज्जत हमें सिर्फ शाहीन बाग के लोगों से ही नहीं बचानी है, सबसे बचानी। तो आपको अपने तर्क का स्तर ऊंचा करना है, ना कि इनकी तरह अपने तर्क का स्तर नीचे करना है। इनको बलात्कार के बारे में बताइए। बलात्कार की 90% घटनाओं में बलात्कारी जो होता है वो पीड़ित का जानने वाला होता है। ये समस्या ऐसे नहीं सॉल्व होती। एक और नेता है, उन्होंने कहा है कि देश के गद्दारों को और पब्लिक पूरी जवाब देती है, गोली मारो सारों को। भाई मैं खुद इस चीज़ के फेवर में हूँ, मैं आपके साथ हूँ। मैं खुद चाहता हूँ कि देश के गद्दारों को गोली मारनी चाहिए। तो आप लोगों को लाइसेंस दिलवाइए, हर आदमी को बंदूक दीजिए, अगर वो कोई गोली मारता है तो उसको इनाम में कुछ दीजिए। आप कहें कि देश के गद्दारों को गोली मारो सालों को, और जब कोई गोली मारता है तो आप उसे जेलबंद कर देते हैं, ऐसा कैसे? आप कुछ भी कर लीजिए, सरकार किसी ना किसी को आपके विरोध में खड़ा कर ही देगी और आपको दुश्मन बना देगी। तो अब ये आपकी जिम्मेदारी है कि जो भी आपको अपना दुश्मन समझे, आपको उनसे दोस्ती करनी है, उनको ये विश्वास दिलाना है कि हम आपके दुश्मन नहीं हैं, बल्कि हम भी आपके साथ हैं। आप सड़क जाम करेंगे, चक्का जाम करेंगे तो लोगों को परेशानी होगी। इस तरीके से वो एक दो दिन तो आपका साथ देंगे, 10-12 दिन भी आपका साथ दे सकते हैं, लेकिन ऐसा कब तक चलेगा? वो परेशान होंगे तो आपके विरुद्ध हो जाएंगे। आपका मकसद चाहे कितना भी अच्छा क्यों ना हो, आप उनके भले के लिए ही क्यों ना बात कर रहे हो, फिर भी वो इस चीज़ में आपका विरोध करने लग जाएंगे। अपनी तरफ से किसी को कोई भी परेशानी ना होने दीजिए। इस तरह के आंदोलन में जब आपके पास ढेर सारे लोग होते हैं तो आप इसका कुछ एक पॉजिटिव आउटकम निकालिए। रक्तदान करने के लिए लोगों को मोटिवेट कीजिए, शरीर दान कीजिए, आंखें दान कीजिए। हमारे देश में इन सब चीज़ों की बहुत कमी है। अपने आंदोलन में आप स्वच्छता अभियान को जोड़िए, वृक्षारोपण को जोड़िए। इस तरह से आप अपने आंदोलन को एक नया जनाधार दे देंगे। और आप कुछ भी नहीं कर सकते हैं तो मोहम्मद रियाज साहब को फॉलो कीजिए। इन्होंने कलकत्ता में आंदोलन की जगह पर एक कोने में एक लाइब्रेरी सेटअप कर दी है। ये देश हमारा है, आपका है, हम सबका है। चाहे हम कुछ भी करें, हमारी जात से, हमारे हर काम से इस देश का भला ही होना चाहिए। अपने आंदोलन को अलग थलग कभी मत पढ़ने दीजिए। किसानों का आंदोलन सिर्फ किसान का ही होकर रह जाता है, मजदूरों का आंदोलन सिर्फ मजदूरों का ही होकर रह जाता है, स्टूडेंट्स का आंदोलन भी सिर्फ स्टूडेंट्स का ही होकर रह जाता है। ऐसा मत कीजिए, ऐसा होने ही मत दीजिए। आपके आंदोलन की व्यापकता ही आपकी सफलता की गारंटी होती है। जितने ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का आपके आंदोलन से जुड़ाव होगा, उनको समझ में आना चाहिए कि आपके आंदोलन से कितने ज़्यादा लोगों को फ़ायदा हो रहा है, उतने ज़्यादा लोग आपके आंदोलन में आपका साथ देंगे। मैं आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल देता हूँ। DU के लड़के बढ़ी हुई फीस को वापस करने के लिए कह रहे हैं। उनका ये कहना है कि शिक्षा सस्ती होनी चाहिए। किसान भी इसी बात पर आंदोलन करते हैं क्योंकि उनको कर्जा माफ़ होना चाहिए। अब अगर किसान अलग
आंदोलन करते हैं, स्टूडेंट्स अलग आंदोलन करते हैं, तो सरकार का काम आसान हो जाता है। लेकिन किसान और स्टूडेंट्स अगर एक साथ आ जाएं और महंगाई के खिलाफ आंदोलन करें, दोनों का फायदा है। हमारे देश में 30 करोड़ लोग हर दिन भूखे पेट सो रहे हैं, 7,000 लोग हर दिन सिर्फ भूख से होने वाली बीमारियों से मर रहे हैं। इतना बड़ा जनाधार हमारे लिए आंदोलन क्यों नहीं बन पा रहा है? हम एक के बाद एक छोटे मोटे आंदोलन क्यों कर रहे हैं? हम इतने बड़े सब्जेक्ट को क्यों नहीं एक आंदोलन का रूप दे पा रहे हैं? इस बारे में आप लोग सोचिए कि हम सब लामबंद होकर एक साथ इस भुखमरी के खिलाफ आंदोलन करते हैं तो उससे किसको फायदा होगा? हिंदुओं को, मुसलमानों को, बैंक कर्मचारियों को, स्टूडेंट्स को, किसानों को, किसको? सबको। किसी भी आंदोलन को सफल बनाने के लिए सबसे बड़ी ज़रूरत ये होती है कि हमारे अंदर कोई कमी ना हो। जब इतना बड़ा आंदोलन आप कर रहे हैं, मेरे पीछे आप देख रहे हैं लखनऊ का घंटा है, ये आजकल लखनऊ का शाहीन बाग के नाम से मशहूर है। मैं इसी सफलता की दुआएं करता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ आपको। लेकिन इसके साथ साथ मैं ये भी चाहूँगा कि आप इसमें हमारे समाज की कुछ बुराइयों को शामिल कीजिए, अपने धर्म की कुछ बुराइयों को ख़त्म कीजिए। जब आंदोलन होता है तो ढेर सारे लोग एक साथ आते हैं और तब हमें एक दूसरे को जानने समझने का मौका मिलता है। हमें एक दूसरे की अच्छाइयाँ भी देखने को मिलती है और बुराइयाँ भी। अच्छाइयों को अपनाइए और बुराइयों को दरकिनार कीजिए। CAA अब एक कानून है और सरकार बार बार ये स्पष्ट कर चुकी है कि वो इसको वापस नहीं लेगी, बल्कि गृहमंत्री ने तो ये भी कह दिया कि वो एक इंच भी पीछे नहीं हटेंगे। ना हमको आज गाली देनी है, न कल गाली देनी है, ना हमको आज किसी को परेशान करना है, न कल किसी को परेशान करना है। कानून कभी भी प्रॉब्लम नहीं होती है, प्रॉब्लम वो होती है जिसकी वजह से वो कानून बनाया गया। आपको आत्मनिरीक्षण करना होगा, अपने अंदर झांकना होगा कि किस वजह से ये CAA आया। अगर हम आत्मनिरीक्षण नहीं करते हैं तो आने वाले समय में इससे भी ज़्यादा मुश्किल कानून पास हो जाएंगे। चंदन याद है आपको, या फिर ये लड़का? हम सबको एक अच्छा हिंदुस्तान चाहिए, अच्छा भारत चाहिए, अच्छा इंडिया चाहिए। तो अपनी तरफ से इसको अच्छा बनाने की कोशिश आज से ही शुरू कीजिए। अपने आसपास नज़र दौड़ाइए, आपको ऐसे लोग ज़रूर मिलेंगे जिनके साथ कोई ना कोई नाइंसाफ़ी हुई है। जितनी ताकत से आप अपने लोगों के लिए मदद करते हैं, उससे दुगनी ताकत से आपको दूसरे लोगों की मदद करनी चाहिए। खुद खाना खाने से पहले अपने पड़ोसियों के यहाँ जाकर देखिए कि उन्होंने खाना खाया कि नहीं खाया। आपका धर्म यही तो कहता है। अपने नेताओं की क्वालिटी को सुधारिए। जिन लोगों को आपने वोट दिया है वो कैसे हैं? ऐसे आंदोलन में सबसे पहले आप यही बताइए कि हम लोग सुधरेंगे और देश के नेताओं को भी सुधारेंगे। दरअसल आंदोलन होते ही इसलिए हैं क्योंकि हम अच्छे अच्छे नेताओं को नहीं चुन रहे हैं। एक आंदोलन इसलिए भी कर लीजिए कि सिर्फ हम अच्छे अच्छे नेताओं को ही चुनेंगे। मेरा कॉमन सेंस कहता है कि ऐसा आंदोलन इस देश में कभी नहीं होगा। लेकिन हर आंदोलन में इस बात की कसम तो खाइए कि आप सिर्फ अच्छे लोगों को ही चुनेंगे, अच्छे लोगों को ही वोट देंगे, ना धर्म देखेंगे ना जात देखेंगे। आंदोलनों में सबसे कामयाब हथियार जो होता है वो सत्याग्रह ही होता है। सत्याग्रह के साथ साथ भूख हड़ताल भी कीजिए। मैंने अपने कॉमन सेंस से ज़्यादा अच्छी बातें ही बोली, लेकिन मेरा कॉमन सेंस मेरे तक ही सीमित है। आपका कॉमन सेंस ज़रूरी नहीं कि मेरे जितना ही हो, उससे ज़्यादा भी हो सकता है। आप लोग और भी अच्छे अच्छे आइडियाज़ ढूंढ सकते हैं। मैंने अपने कॉमन सेंस का इस्तेमाल करके ये वीडियो बनाया है। इसमें क्या अच्छाई है, क्या बुराई है, अगर ये आप अपने कॉमन सेंस से मुझे बताएंगे तो मुझे अच्छा लगेगा। धन्यवाद।